देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। नजर डालते हैं जिले से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। उन्नाव बीघापुर तहसील के विकासखंड सुमेरपुर के मलयपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय में निर्मल गंगा जन जागरण साइकिल रैली को निकालकर ब्रह्मखेड़ा से ऊंच गांव चौराहे तक भ्रमण किया गया। साथ ही जिलाधिकारी देवेंद्र त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर सिंह और CDO राजेश प्रजापति ने बच्चों की सराहना की, शिक्षकों को बधाई दी। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए पारुल शर्मा की रिपोर्ट। समस्त हमारे शिक्षक बंधु, हमारे प्रधानगण, जिला पंचायत सदस्य और प्यारे बंधुओं, ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि गंगा, जिसके लिए हम अपना पाप धोने की बात करते हैं, गंगा में डुबकी लगाने जाते हैं, उस गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए जन जागरूकता के माध्यम से आज ये रैली का आयोजन किया गया है। ये साइकिल रैली जो एक लंबे दूरी तक निकाली जा रही है, जिसमें हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों द्वारा और अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है, जिसमें कि जागरूकता फैलाने की बात हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 27 से 31 तक जो गंगा यात्रा चल रही है, जिसका कि चौथे दिन 30 तारीख को बक्सर में एक बड़ा पड़ाव होगा, जहां पर बड़ी जनसभा होगी, और उसके क्रम में गंगा के किनारे के 34 गाँवों में, 64 राजस्व ग्रामों में और पूरे जनपद में गंगा माँ की अविरलता, निर्मलता और स्वच्छता के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है, ये मुहिम प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे और प्रत्येक व्यक्ति इस बात की शपथ ले कि माँ गंगा को हम निर्मल रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे और उसकी अविरलता में अपना योगदान देंगे। आज जो ये रैली निकाली गई है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस रैली के माध्यम से जन जागरूकता फैलेगी और माँ गंगा के को स्वच्छ रखने के लिए, इसके साथ साथ अपने संपूर्ण पर्यावरण और परिवेश को स्वच्छ रखने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के सपने को साकार करने के लिए बहुत ही उपयोगी होगी और एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा, एक एक जवान इसमें अपना प्रतिभाग करेगा और इस बात की शपथ भी लेगा कि अपने पूरे पर्यावरण को, परिवेश को और माँ गंगा को हम स्वच्छ रखेंगे। आपकी इस रैली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ मेरा यह भी अपील और आग्रह है कि इसी तरह से प्रत्येक विद्यालय में जो रैली निकल रही है, इसका प्रचार और प्रसार पूरे जनपद में जाए और हम सभी लोग इस बात की शपथ लें कि हम सभी लोग स्वच्छता अपनाएंगे और एक बार अगर हमने स्वच्छता अपनाने की ठान लिया तो हमारा परिवेश भी साफ सुथरा, स्वच्छ और सुंदर रहेगा। उसके साथ साथ माँ गंगा की भी निर्मलता और स्वच्छता के प्रति हमारा पूरा ध्यान रहेगा। तो हमें अपने आप में सुधार करना है, अपने आप में भावना पैदा करनी है कि हम स्वच्छाग्रही बनेंगे। स्वच्छता के प्रति हमारा आग्रह होगा, स्वच्छाग्रही बनने की ठानेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्नाव बीघापुर तहसील के विकासखंड सुमेरपुर के ग्राम पंचायत हिश्यामपुर में 14 जून 2019 को अस्थाई गौशाला का शुभारंभ हुआ था, जहां पर आज भूख से मर रहे हैं आवारा गौवंश, वहीं गौवंश के अवशेष पड़े मिले हैं। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए पारुल शर्मा की रिपोर्ट। उन्नाव बीघापुर तहसील के बक्सर स्थित मां चंद्रिका देवी धाम में गंगा यात्रा का शुभारंभ बलिया जिले से हुआ, जिसके आगमन को लेकर 30 जनवरी को बक्सर में 15,000 व्यक्तियों की जनसभा होगी। अमर शहीद राजा राव राम बक्स सिंह के स्मारक स्थल में जलपान और भोजन की व्यवस्था है, तो वहीं निर्मल जल अविरल गंगा को लेकर उन्नाव जनपद में सड़क के फुटपाथों को लेकर साफ सफाई कार्य तेजी पर है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए श्रवण कुमार यादव की रिपोर्ट। हमारे शक्त उन्नाव जनपद के विधानसभा क्षेत्र भगवान नगर के पास स्थित हम खड़े हैं माँ चंद्रिका देवी घाट पे, जहाँ पे स्वच्छ गंगा निर्मल गंगा यात्रा निकलनी है, जहाँ पे सांसद साक्षी महाराज व विधानसभा अध्यक्ष माननीय हृदय नारायण दीक्षित व स्मृति ईरानी आदि सभी लोग रहेंगे मौजूद। यहाँ पे जिला अधिकारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि यहाँ पे करीब 5,000 लोगों की जनसभा रखी गई है, जहाँ पे यहाँ पे मंत्रियों के रुकने की व्यवस्था भी की गई है,
काफी मंत्री यहाँ पे रुकेंगे और रात में गंगा आरती भी की जाएंगी। धन्यवाद। देखिए 27 से 31 तक गंगा यात्रा चल रही है, जो बलिया से चल करके 27 तारीख को 31 तारीख को कानपुर में दूसरी यात्रा समागम होगा। उसके परिप्रेक्ष्य में 30 तारीख को सायंकाल बक्सर में यहाँ गंगा आरती, गंगा पूजन, तदुपरांत जनसभा होगी और रात्रि प्रवास होगा यहाँ पर, और 31 तारीख को प्रातःकाल यहाँ से निकल करके वो शुक्लागंज जाएगी। किन किन विशेष अतिथियों का आगमन होगा? देखिए अभी बहुत स्पष्ट नहीं है किन विशेष आगमन होना है, लेकिन ये साथ साथ निर्देश हैं कि जो प्रभारी मंत्री और सांसद विधायक ये सब लोग यहाँ पर रहेंगे। लगभग कितनी संख्या पहुँचेगी? संख्या जो यात्री रहेंगे उनके साथ जो है लगभग 200 लोगों के रुकने की व्यवस्था हम लोग यहाँ पर करा रहे हैं, और साथ ही जो जनसभा यहाँ पर कराएंगे वो जनसभा 5000 लोग जनसभा कराएंगे, जिससे कि गंगा यात्रा का उद्देश्य सफल हो। और सफलता के पीछे ये है कि अधिक से अधिक लोग इस बात से जागरूक हों कि माँ गंगा को ऐसे निर्मल, अविरल और स्वच्छ रखा जाए। तो आसपास के क्षेत्रों को भी निरीक्षित करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल मानी सी बात है कि गंगा के किनारे हमारे 34 ग्राम सभाएँ हैं पूरे जनपद उन्नाव में, जो कि 8 ब्लाकों में है। उन सभी 34 ग्राम सभाओं में हमारे काम चल रहे हैं, प्रत्येक विभाग अपना वहाँ पर आयोजन कर रहा है। जैसे पशुओं के लिए पशु आरोग्य मेला लग रहा है, चिकित्सा स्वास्थ्य कैंप लग रहा है, पंचायत राज विभाग का काम हो रहा है, कृषि विभाग का काम हो रहा है, तो जितने विभाग हैं सारे विभाग वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं इन 34 गाँवों में। तो इन 34 गाँवों में पूरी तरीके से वहाँ पर जागरूकता फैलाई गई है और उसके काम चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त पूरे जनपद में प्रत्येक विद्यालयों में प्रभात फेरियाँ निकाली जा रही हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं, जिससे कि जल स्रोतों को वो प्रदूषण मुक्त किया जा सके और जल स्रोत हमारे स्वच्छ और अविरल रहें, और विशेष करके माँ गंगा ये स्वच्छ और अविरल रहें, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक कितने प्रतिशत तैयारियां निरीक्षण की लगभग पूरी कर ली हैं? देखिए तैयारियां हमारी जब समय होता है उस समय तक 100% होती हैं। बाकी आप जानते हैं कि बक्सर एक गाँव है और इस गाँव में सारी व्यवस्थाएँ करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जहाँ जनसभा करनी हो मैदान हमारा साफ स्वच्छ हो गया है, सामने यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगनी है उसकी कार्रवाई हो गई है, जहाँ गंगा यात्रा रुकना है उसके संबंध में हमने कार्रवाइयाँ कर लिया है। तो कार्रवाई चल रही हमारी और ये नियत समय पर कार्रवाइयाँ हमारी बिल्कुल पूरी होंगी, और इसी बहाने बक्सर गाँव की भी साफ सफाई और बक्सर गाँव में तमाम विकास के कार्य हो रहे हैं, जो निश्चित रूप से माँ चंद्रिका के श्रद्धालु जो आते हैं यहाँ दर्शन करने उनको इससे भविष्य में भी लाभ मिलेगा और तात्कालिक प्रभाव से इसका लाभ बक्सर के निवासियों को देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।